प्रशांत सोमवंशी, आप सभी का आज के इस मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। यहां पे सभी ऑप्स क्लब एंड अबो लीडर्स जुड़े हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम हर एक इंडिविजुअल का स्किल सेट और लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर हम डेफिनेटली बात करने वाले हैं। लीडर्स की अगर बात करते हैं तो हर कोई जन्म से लीडर नहीं होता है, उन्हें बनाया जाता है। एक आदर्श व्यक्तिमत्व को आंखों के सामने रख के उन्हें कॉपी किया जाता है, चाहे फिर उनके स्किल सेट हो या फिर वो जो कार्य करते हैं वो कार्य करने कॉपी करना हो। हमारे बीच में भी ऐसे बहुत सारे लीडर्स होके गए हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे बीच के लीडर्स की, तो जब ये लीडर्स को हम फॉलो करने की बात करते हैं तो कोई भी कलर को फॉलो नहीं करते हैं, चाहे वो भगवा कलर हो, हरा रंग हो या नीला हो, किसी भी मतलब जाति या किसी धर्म को हम यहाँ पे कॉपी नहीं करते हैं। उस व्यक्ति के विचार को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, उस लीडर्स के विचार को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, चाहे फिर उसमें फिर महात्मा गांधी जी हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, सावित्रीबाई फुले हो, महाराणा प्रताप हो, श्री प्रभु रामचंद्र हो या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज हो, हम इनके विचारों को कॉपी करके आगे बढ़ते हैं। जब हम ये आगे बढ़ने की बात करते हैं, शुरुआत की बात करते हैं, कौरव हो या पांडव, लड़ना जरूरी है। हार का डर हो या जीतने की उम्मीद हो, आरंभ जरूरी है। तो आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से हम जो ये ऑप्स क्लब एंड अबो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग का सीरीज करने जा रहे हैं, उसका हम आज आरंभ करने वाले हैं। इतिहास केवल अतीत का अध्याय ही नहीं होता, बल्कि भविष्य का आयना भी होता है। तो हम जानेंगे अतीत के माध्यम से हम हमारा भविष्य कैसे बना सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं इस मैनेजमेंट सीरीज के माध्यम से। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज मैं आप सभी के सामने इस आरंभ करने के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे नेटसो के नेशनल मेंटोर मिस्टर सचिन कुलकर्णी सर को। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सचिन कुलकर्णी सर के लिए। थैंक यू प्रशांत सर, एंड बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत दिनों के बाद बहुत लीडर्स ऑल ओवर इंडिया के यहाँ पे जुड़े हैं, बहुत लोगों को मैं देख रहा था। आप भी एक्साइटेड रहेंगे नो डाउट, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि इतिहास तो है लेकिन इतिहास के साथ साथ सीखने जैसा बहुत कुछ है। आज से शुरू होने वाला ये जो सीरीज है, ये जब 25th ऑफ मई को खत्म होगा तो मुझे ये पक्का यकीन है, 100% यकीन है कि आप सब लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ये सीरीज लेके आने वाला है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सीरीज ऑलरेडी हम लोगों ने वेस्टर्न जोन के लिए मराठी में किया था और उसका रिजल्ट जो हमें फीडबैक्स आ रहे हैं वो इतने जबरदस्त है, इतने टॉपिक्स, इतने पॉइंट्स और इतनी चीजें लोगों ने इससे सीखी है कि मुझे नहीं लगता कि ये अगर ये सीख लेके हम लोग आगे जाए तो 2-5 करोड़ कमाने तक तो आपको और कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने बहुत सारे पॉइंट्स इस ट्रेनिंग के माध्यम से यहाँ पे लोगों को मिले हैं, जो आप लोगों को भी मिलने वाले हैं। आज जो बैठे हैं 5 दिन तक आपको यही सीरीज में पूरा सुनना है, क्योंकि ये कोई एक दिन का सेशन नहीं तो है नहीं, ये 5 दिन चलने वाला सेशन है। और ये आज जो है ये इसका आरंभ जो हम लोग बोल रहे हैं ये इसका ट्रेलर है, पिक्चर कल से शुरू होने वाला है। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मुझे इतना तो पक्का यकीन है कि आप ट्रेलर देख के ही इतने खुश हो जाओगे कि आपको वो 5 दिन की सीरीज का जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आ जाएगा। शुरू करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देना चाहूंगा। वैसे तो आप ऑप्स क्लब एंड अबाउ है तो आपको देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं अपने पास जिनके लिए मुझे आप सबको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत पड़ रही है। होता है ऐसा ना, कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से सब लोगों को कुछ सुनना पड़ता है, तो आप लोगों को भी सुनना पड़ेगा थोड़ा सा। बहुत सारे लोग हैं, हम ये मानते हैं कि आप लीडर्स हो, आप ऑप्स क्लब एंड अबाउ हो तो आप लीडर्स हो, ऐसा हम लोग मानते हैं। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि हाँ मैं भी लीडर हूँ जो यहाँ पे बैठे हैं, तो कृपा करके बोल रहा हूँ, और ये मैं पहली और आखिरी बार बोलूँगा आपसे कि कृपा करिए, अगली बार कृपा नहीं होगी कुछ और होगा, क्योंकि आप लीडर्स हैं तो मैं आपके साथ थोड़ा सा रूडली बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए चल रहा है। ये पहली चीज़ आप समझ लीजिए कि जो भी ये 5 दिन हो रहे हैं ये आपके लिए हो रहा है, ये आपके डेवलपमेंट के लिए हो रहा है।
तो पहली चीज ये करनी है कि इसको सुनना है, ये सेशन जो है इसको ठीक से ध्यान से सुनना है। ये सुनते समय आप जो लैपटॉप पे बैठे हो, मोबाइल पे बैठे हो, तो वो जो लैपटॉप और आपका मोबाइल है ये थोड़ा सा आपसे थोड़ा दूरी पे बनाए रखिए। इसको सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं ना, ये सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा पालन आप करिए, ताकि आप उसको बार बार टच ना करें। क्योंकि टच करने से क्या होता है ना कि कौन मेरा दोस्त आया है क्या, कौन मेरा डाउनलाइन आया है क्या, आप ये सारा स्क्रॉल करते रहते हो ना, एक दूसरे के चेहरे देखते रहते हो। तो पहली चीज ये बन करनी है कि यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, जो सेशन चल रहा है वो सेशन देखना है। दूसरी चीज बार बार यहाँ पे हाथ, ये रेज हैंड करने का क्या सिलसिला है मुझे समझ में नहीं आता है, या किसने आपको सिखाया है ये भी मुझे समझ में नहीं आता है। ये बहुत सारे लोग बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, और ये हैंड रेज क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको दिखाना है मैं भी सेशन में हूँ। तो आपके सारे लोगों की लिस्ट हमारे पास है, ये पूरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, हम पूरी के पूरी जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं इन सब की रिकॉर्ड हम लोग भी रखने वाले हैं। तो आपको आपका हाथ ऊपर करके रेज योर हैंड करने का जरूरत है नहीं, हम लोगों को पता है कौन बैठा है, हम लोगों ने कितने लोगों को होस्ट करके रखा है ये भी आप देखते हो। ये होस्ट यानी ये सेशंस के मॉनिटर्स है, और ये आपको आपका देखो अभी ये वास्तु नागराज कौन है, अभी बोलने के बाद भी लोग सुधरते नहीं है और हम लोग इनको लीडर्स बोलते हैं। अभी और एक आ गया टीवी जोसेफ, आपके नाम लेने को अच्छा लगता है क्या आपको? तो ये मैं आपको कुछ आदर पूर्वक नाम नहीं ले रहा हूँ भाई आपका, ये आप गलती कर रहे हो इसलिए आपके नाम आ रहे हैं, ये हजार लोग सुन रहे हैं आपके नाम को। तो कृपा करके ये लीडर है आप, तो ऐसा लीडर जैसा बर्ताव करिए। मंजुनाथ गौड़ा आप भी अगर आप रेज हैंड करेंगे तो मैं सेशन चालू नहीं करूंगा, इतना आप ध्यान रखिए क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। मनोज के आर धन्यवाद सर। मेरे हिसाब से इनको रिमूव करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हजार क्रॉस हुआ है, तो बाकी सही लोग शायद वेटिंग में है जो हाथ रेज कर रहे हैं, जो पोस्ट है उनको रिमूव कर दो। तो ये आप शायद ये लोगों को पता नहीं है कि ये जूम में ये ऑप्शन भी होता है कि जो होस्ट होते हैं ये आपको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये रिमूव करना यानी आपको पता है ना, आप हॉल में बैठे हो अगर कोई, तो आपको कोई हाथ पकड़ के आपको उठा के हॉल के बाहर तक लेके जाए और दरवाजा बंद कर ले तो आपको कैसा लगेगा, ये फील आपको आएगा अगर हम लोग आपको रिमूव कर देंगे। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं एक ही बार बोलूंगा, कृपा करके आप समझ जाइए अगर हिंदी आप समझ रहे हो, और हिंदी आपको नहीं समझता है तो इस सेशन में बैठने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि हिंदी में होने वाला है। तो फिर से एक बार सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक ट्रेनिंग सीरीज में, जिसका नाम हम लोगों ने दिया है रणनीति। तो रणनीति यानी हम सक्सेसफुल जो होना चाहते हैं उसके लिए जो रणनीति होनी चाहिए, उसके लिए जो प्लानिंग होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग इस 5 दिन के सेशन में, कल से जो मैं 5 दिन बोल रहा हूँ क्योंकि आज इसका आरंभ है, तो ये 5 दिन के यानी 25 मई तक जो चलेगा इसमें ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। और सीखने के अलग अलग तरीके होते हैं। बहुत बार आज तक हम लोगों ने जो ट्रेनिंग लिया है वो कोई तो स्पीकर आता है, कुछ तो पॉइंट्स लेके आता है, वो आपको बोलता है ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, इस तरीके से आपको जाना चाहिए ताकि आप सक्सेसफुल हो जाओ। तो एक नया तरीका जो हम लोगों ने सोचा, ये वेस्टर्न जोन की मैनेजमेंट टीम जो थी उन्होंने मीटिंग में एक सोचा कि क्यों ना किसी युग पुरुष जिसको हम लोग बोलते हैं, किसी महान पुरुष को सामने रख के उसका जो प्रवास है जीवन का, उसकी जो जर्नी है, वो जर्नी को कंसिडर करके उसने क्या क्या किया है और वो किस तरीके से हम लोग भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, हम लोग भी इसको आत्मसात कर सकते हैं ताकि हम लोग भी जिंदगी में आगे बढ़े। तो इसके ऊपर क्यों ना एक सीरीज की जाए। तो वैसे तो भारत में बहुत सारे युग पुरुष हो चुके हैं, हो गए हैं, जिसके नाम प्रशांत सर ने आपको गिना है शुरू में, ये सारे लोग थे। लेकिन हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने ये महाराष्ट्र के लिए बनाया था, तो एक जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े, ये सबसे बड़ी गलती वो वापस मैंने भी की कि शिवाजी महाराज को हम लोग ज्यादा करके बोलते हैं कि ये महाराष्ट्र के लीडर है। एक्चुअली शिवाजी महाराज इज अ लीडर जो पूरे हिंदुस्तान के लीडर थे, ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक जो काम किया था शिवाजी महाराज ने, कि इन्होंने जो मुगल शाही थी, जो मुगलों का राज था भारत पे, उसको हटाने का काम, उसको खलास करने का काम जिसने किया था वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। इसकी शुरुआत की थी महाराणा प्रताप ने, जो अकबर के साथ लड़े थे, जिन्होंने अकबर को बहुत बार धूल चटाई थी, और वहां से जो शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर आए, फिर शाहजहां आए, फिर औरंगजेब आए, और इन लोगों का जो शासन चल रहा था, तो इनको यह जड़ से मिटा देने का काम अगर किसने किया था तो शिवाजी महाराज और उनके जो वंशज थे इन्होंने किया था। तो देखो हमारे बहुत बार क्या होता है ना, ये सारे युग पुरुष जो है, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी महाराज हो, महात्मा गांधी हो, प्रभु श्री राम हो, ये जितने भी युग पुरुष है, भगवान है, इन लोग, ये सबको हम लोगों ने भगवान का दर्जा दिया हुआ है। और जो कि हम लोगों ने इनको भगवान का दर्जा दिया हुआ है,
तो होता क्या है ना, हम लोग मानते हैं कि ये भगवान है, और भगवान है तो ये आसमान से आए हैं, सीधा इनकी कुर्सी पे बैठे हैं, और इनको वो भगवान का दर्जा प्राप्त है, तो इनके जैसा मैं बन ही नहीं सकता हूँ। ये बहुत बार हमारी ये समझ होता है, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं सोचते। देखो, इतिहास में भी हम लोगों को पढ़ाया, स्कूल में भी हम लोगों ने जो पढ़ाया है, हम लोगों ने पढ़ा क्या है? देखिए, अब कभी सोचते हैं महाराणा प्रताप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा क्या है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि उनका बर्थ कौन से ईयर में हुआ था, उन्होंने ये कुछ लड़ाई लड़ी थी तो कौन से ईयर में लड़ी थी, या छत्रपति शिवाजी महाराज वो कब बॉर्न हुए थे, ये इनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने राज्याभिषेक कब किया था, ये इन सब की हमको क्या पता है मालूम है? इन सब की हमको डेट पता है, इनके साल हम लोगों को पता है। हम लोगों ने स्कूल में जो सीखा है वो सारा थियोरेटिकल सीखा है, यानी एक महापुरुष की जयंती और पुण्यतिथि के बीच में उसने क्या किया शायद हमको पता ही नहीं है। हम लोगों को उसकी जयंती मालूम है, उसकी पुण्यतिथि मालूम है, और उसने लड़ाई लड़ी है मालूम है, उसने पराक्रम किया मालूम है, लेकिन ये करने के पीछे उसने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी, उसके पीछे उसका ध्येय क्या था, उसका विजन किस तरीके से था, वो क्या टारगेट लेके चल रहा था, ये सारा चीज जो है ये कभी हम लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल वो समझने की कोशिश नहीं करते, तो हम लोग उससे कुछ सीखते नहीं है। देखो, शिवाजी महाराज के बारे में बोला जाता है कि जब भी कोई बोलता है शिवाजी महाराज की, तो अपने आप मुंह से निकल आता है कि शिवाजी महाराज की अगर कोई बोलता है तो जय अपने आप से निकल आता है। इसका मतलब हम लोग इनको मानते हैं, लेकिन हम लोग इनको मानते ही है, शायद हम लोग इनको जानते ही नहीं है। महाराणा प्रताप की जय बोलते हो तो महाराणा प्रताप को आप मानते हो, लेकिन बहुत कम लोग है जो महाराणा प्रताप को सच में जानते हैं। ऐसे बहुत सारे युग पुरुष है, तो इसमें से एक युग पुरुष है जो कि जिन्होंने ये जो समझ था पूरे हिंदुस्तान में कि हिंदू राजा कभी बन ही नहीं सकेगा, वो समझ जो थी उसको उन्होंने सब लोगों के दिमाग से निकाल दिया, उसको गलत ठहराया था। तो ये शिवाजी महाराज थे, और इन शिवाजी महाराज के ऊपर हम लोगों ने एक सीरीज बनाया है जिसका नाम हम लोगों ने रणनीति दिया है। तो ये जो शिवाजी महाराज है, ये रणनीति जो है, ये कल से हम लोग शुरू करने वाले हैं। फाइव डेज का ये सेशन रहेगा, लेकिन ये सीरीज क्या होने वाली है, ये किस तरीके से होने वाला है, क्यों हम लोगों ने शिवाजी महाराज को ही इसके लिए चुना है, इसके बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। मैं आपसे बात करने वाला हूँ मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि ऐसा बोला जाता है द ग्रेट मैनेजमेंट गुरु अगर भारत में कोई थे तो वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। ही वॉज अ ग्रेट मैनेजमेंट गुरु। और मैनेजमेंट कौन, किस चीज के लिए मैनेजमेंट लगता है, तो आज आपको पता है मैनेजमेंट हर चीज में लगता है, खास करके बिजनेसमैन को मैनेजमेंट तो बहुत लगता है, यानी हम आप और हम जैसे लोग हैं इनको तो मैनेजमेंट लगता ही है। हम लोगों को मैनेजमेंट चाहिए, हम लोग अगर मैनेजमेंट नहीं करते तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम लोगों को ये मैनेजमेंट आज सीखना है, इस किस तरीके से ये मैनेजमेंट होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीजें हम लोगों को सीखनी है। इसका ट्रेलर मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। तो ये मैनेजमेंट सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, शिवाजी महाराज द ग्रेट मैनेजमेंट गुरु। अभी आप इसको एक शिवाजी महाराज करके मत देखिए, ये जो अब चलेगा 5-6 दिन तक, इसको आप एक शिवाजी महाराज करके मत देखिए, इसको आप एक बिजनेसमैन करके देखिए। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक बड़े बिजनेसमैन थे, इस तरीके से आप इसको देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज एक बड़े बिजनेसमैन थे, और स्वराज जो था ये उनकी इंडस्ट्री थी, जो उन्होंने स्वराज की स्थापना की थी ये इनकी इंडस्ट्री थी, और इंडस्ट्री के मालिक थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और ये इंडस्ट्री चलाने के लिए जो मैनेजमेंट की जरूरत थी, वो मैनेजमेंट शिवाजी महाराज ने किस तरीके से किया था, ये हम लोग जानने वाले हैं। और इसको हम लोगों को, हर चीज को हम लोगों को खुद के साथ रिलेट करना है, खुद के साथ को रिलेट करना है कि अगर ये सिचुएशन में मैं होता तो मैं इसको किस तरीके से करता था, ये सिचुएशन अगर मेरे पे आई तो मैं इसको किस तरीके से हैंडल करूंगा, ये चीजें आपको इसमें से सीखनी है। आप, हम लोग आपको इतिहास में लेके नहीं जाना चाहते, हम लोग आपको स्टोरी टेलिंग नहीं करना चाहते, हम लोग आपको कहानी नहीं बताना चाहते, हम लोग ये बताना चाहते हैं कि यू एज अ लीडर, अगर आप लोग ये सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहते हो तो ये मैनेजमेंट आपको किस तरीके से यूज करनी है आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए। तो शिवाजी महाराज मैनेजमेंट गुरु, शिवाजी महाराज बिजनेस लीडर, शिवाजी महाराज अ नेटवर्कर, शिवाजी महाराज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, इस तरीके से आपको देखना है। और ये इंडस्ट्री उनकी थी, वो थी स्वराज, और इसको इन्होंने किस तरीके से ग्रो किया है, इसका एक शॉर्ट प्रीव्यू जो है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके इसके आगे हम लोग बात करेंगे। स्क्रीन विजिबल है मेरा प्रशांत सर? यस सर। ओके, सो वापस एक बार आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत।
ये जो सीरीज हम लोग करने वाले हैं, इसका फ्रंट जो स्लाइड मैंने ली है वो शिवाजी महाराज के जीवन की जो जर्नी है वो दिखाती है। उनकी माता जी का फोटो है, उसके साथ उनकी जो उन्होंने स्वराज्य की शपथ ली थी, उनके मावले थे और उनका राज्याभिषेक, ये पूरा जर्नी उनका जो था, ये जर्नी जो हम लोग जो कवर करने वाले हैं 5 दिन में, ये पूरा एक स्लाइड पे हम लोगों ने लिया है आपको वेलकम करने के लिए। सो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग देखने वाले हैं आज से लेके आने वाले 5 दिनों तक। तो इसका आरंभ हम लोग आज करने वाले हैं, तो ये आरंभ एक्चुअली हो चुका है। आप लोग भी वो एक्साइटमेंट के साथ 5 दिन तक, कल से 5 दिन तक आपको इसमें बैठना है। और ये वापस मैं बोल रहा हूँ आपको कि इसको इस तरीके से देखना है कि ये मैं, मेरा इंडस्ट्री है, मेरा टीम, ये मेरा नेटवर्क जो है, ये मेरी इंडस्ट्री है, मैं इसका मालिक अगर हूँ, मालिक का गलत अर्थ मत लीजिए, क्योंकि एक इंडस्ट्री का एक मालिक होना चाहिए, तो आप मालिक हो, आपके हर एक आदमी यहाँ पे मालिक है, लेकिन आप एक इंडस्ट्री के मालिक हो, और ये मैनेजमेंट मुझे किस तरीके से करना है मेरी टीम में, ये हमको इससे आज के इस सीरीज से सीखना है। तो ये मैनेजमेंट सीरीज क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव और कॉज क्या है, तो वही मैंने आपको जो बोला है कि हम आप लोगों को एक अच्छा लीडर क्रिएट करना चाहते हैं, आप में से हर एक को एक लीडर बनाना चाहते हैं, और वो लीडर जो आप हो, आपके अंदर जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी को बाहर निकालना, ये हमारा आज के इस 5 दिन के ट्रेनिंग का पर्पज रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव हम लोगों का रहेगा। हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि आपको वो स्वराज मिलना चाहिए, आपको वो स्वराज मिलना चाहिए, आपको वो फ्रीडम मिलना चाहिए, जो हम लोग बोलते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो लिया था, प्रण लिया था, मैं स्वराज दिला के रहूंगा मेरी जनता को, तो वो जो प्रजा थी उनकी, उनके लिए वो स्वराज चाहते थे। तो आपकी भी प्रजा, आपकी टीम है, उस टीम को जो फिनेंशियल इंडिपेंडेंट चाहिए, वो टाइम फ्रीडम चाहिए, वो फ्रीडम आपको देना, आपकी टीम को देना, आपके माध्यम से देना, ये हमारा पर्पज है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और आप लोगों को ही क्यों सिलेक्ट किया है, तो आप नेटसर्फ के ऐसे लोग हैं, ऑप्स क्लब एंड अबू लीडर्स हैं, कि आप लोग जो हो वो नेटसर्फ के अभी एक लेवल पे आ चुके हो। नेटसर्फ शुरू करता है बिगनर, लाइटनिंग स्टार, स्टार, सुपरस्टार, ये जो 4 लेवल होते हैं, ये थोड़े से बिगनर और इंटरमीडिएट लेवल होते हैं, लेकिन जैसे ही आदमी ऑप्स क्लब पे आता है तो वो एक लीडर कंसिडर करता है। नेटसर्फ भी उसको फैमिली की तरह कंसिडर करता है, नेटसर्फ उसको फैमिली की तरह ट्रीट करता है, और इसीलिए शायद ऑप्स क्लब के बाद हम लोग फैमिली प्रोटेक्शन प्लान भी आपको देना स्टार्ट करते हैं, ताकि आप, यानी हम लोग आपको एक रिस्पॉन्सिबल रैंक करके समझते हैं ऑप्स क्लब आने के बाद। तो आप ऑप्स क्लब एंड अबोव लीडर्स हो, इसलिए हम लोगों ने आपको सिलेक्ट किया है। इसका दूसरा एक ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जो लीडर्स हो, ऑप्स क्लब और सिल्वर क्लब जो होते हैं, वो जो अबोव के लीडर्स होते हैं, गोल्ड एंड अबोव जो लीडर्स होते हैं, जो लेवल्स होते हैं और नीचे के लेवल्स होते हैं, इसके बीच में एक ब्रिज जिसको बोलते हैं, या पुल जिसको, पुलिया जिसको बोलते हैं, इसका काम करते हैं। यानी नीचे की भी टीम है, ऊपर के भी लीडर्स हैं, इसके बीच में समन्वय जिसको बोलते हैं, वो साधने का काम अगर कोई करता है, तो ये पहली बार ऑप्स एंड सिल्वर लोगों को करना पड़ता है। और जितने जितने लोग इसमें आते हैं, तो इन लोगों को ये रोल करना पड़ता है। और ये सीरीज आपको इस रोल के लिए भी कैपेबल बनाने का काम करने वाली है, इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को सिलेक्ट किया है। और रिजल्ट, जैसा मैंने आपको बोला कि ये 5 दिन खत्म होने के बाद आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस दिखेगा, आपको खुद महसूस होगा कि एक अलग कॉन्फिडेंस आपको आया है, कि अगर ये इस तरीके से मैंने इस सीरीज को देखा है, इस एंगल से अगर मैंने इस सीरीज को देखा है, कि मैं भी एक लीडर हूं, मेरी भी एक इंडस्ट्री है, मैं भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, और ये मैनेज करके, इस इंडस्ट्री को ठीक से मैनेज करके अगर मैं चलाता हूं, तो मैं सक्सेसफुल बन सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस आप में आएगा, ये रिजल्ट हमको एक्सपेक्टेड है, और ये रिजल्ट हम कॉन्फिडेंस है कि आपके अंदर आएगा। बस शर्त वही है, 5 दिन सीरियसली आपको इसको सुनना है, आपको इसको दिल लगा के सुनना है। और हम लोग आप इस सीरीज के माध्यम से क्या करना, क्या करने वाले हैं, तो हम आपकी स्किल डेवलपमेंट करने वाले हैं। देखिए, मेरे बहुत सारे ट्रेनिंग्स में मैं एक ट्रायंगल दिखाता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं आस्क थ्योरम बोलते हैं, ASK थ्योरम बोलते हैं। ये एक मैनेजमेंट में ही सिखाने वाला, जो मैनेजमेंट के लोग हैं इनको पता है, ये मैनेजमेंट में सिखाया जाता है। ये आस्क एक थ्योरम है, ASK करके, उसमें जो K होता है वो उसका बेस होता है ट्रायंगल का, इसको बोलते हैं नॉलेज, K फॉर नॉलेज। और जो A होता है, एक साइड होता है ट्रायंगल का, उसको बोलते हैं एटीट्यूड। तो नॉलेज होता है, एटीट्यूड होता है, और तीसरा जो ट्रायंगल का जो पार्ट साइड होता है उसको बोलते हैं स्किल, यानी एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज, आस्क थ्योरम जिसको बोलते हैं। अभी नॉलेज तो आपके पास बहुत सारा है, एटीट्यूड में आपकी, आपके अंदर एटीट्यूड भी बहुत भरा हुआ है, अभी जरूरत जो है वो है ये स्किल डेवलप करने की। स्किल डेवलप करने के 2 तरीके होते हैं, जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आपका एटीट्यूड बढ़ते जाएगा, आपका स्किल बढ़ते जाता है विथ योर एक्सपीरियंस। और दूसरा होता है, स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ करना पड़ता है, स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ सीखना पड़ता है।
स्किल डेवलपमेंट के लिए किताबें पढ़नी पड़ती है, स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स अटेंड करने पड़ते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए सक्सेसफुल लीडर्स को फॉलो करना होता है, और वही सारी चीज इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग आपको देने वाले हैं। हम लोग आपको ये नहीं बोल रहे कि आप बहुत सारी किताबें पढ़िए। देखो, बहुत बड़ी किताब है, उसका सार निकाल के अगर कोई प्रेजेंट करता है तो एज गुड एज वो किताब पढ़ने जैसा ही होता है। और ये सीरीज आपके पास प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी, पिछले 8-10 दिनों से बहुत सारी किताबें मैंने सुग्रे साहब ने पढ़ी है, कुछ मेरे पास यहाँ पे पढ़ी है, अगर आप वो देखोगे तो आपको पता चलेगा ये ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो हम लोग गए 8-10 दिन से पढ़ रहे हैं। और ये पढ़ने के रीजन ये है कि आपके पास प्रॉपर थरो जो पॉइंट्स है, जो आपको जरूरत है वो देने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो ये आपका स्किल डेवलपमेंट भी होने वाला है इसके माध्यम से। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये जो जर्नी हम लोग बोल रहे थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक जर्नी है, इससे हम लोगों को क्या सीखना है, उसी के साथ हम लोग आपको ये भी बोलेंगे कि ये 20 साल गए, 20 साल में नेटसर्फ का जर्नी किस तरीके से हुआ है, नेटसर्फ ने किस तरीके से अपने आप को अपग्रेड किया है, कैसे कैसे सिस्टम्स लाए हैं, जरूरत के हिसाब से अपने नेटवर्क के जरूरत के हिसाब से किस तरीके से नेटवर्क के लिए नेटसर्फ ने चेंजेस किए हैं, तो ये भी हम लोग नेटसर्फ के जर्नी से सीखने वाले हैं। और नेटसर्फ के जो मेंटोर्स है, ये मेंटोर्स भी जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि जो बड़े बड़े युग पुरुष होते हैं, आपको लगता है यार ये तो थे ही बड़े, तो इन्होंने कर लिया, तो इन्होंने कर लिया, तो हमको इनको भगवान, हम लोग इनको भगवान मानते हैं, तो इनके जैसा हम लोग बन ही नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहीं पे है, क्योंकि कोई भी आसमान से नहीं आता है, तो वो यहीं पे पैदा होके एक सर्वसामान्य की तरह पैदा होके इन्होंने जो अपने अंदर डेवलपमेंट किया है, जिसकी वजह से शायद आज वो उस लेवल तक पहुंचे हैं कि हम लोग इनको भगवान मानते हैं, हम लोग इनको बड़े बड़े लीडर्स मानते हैं। तो ये सारी चीज आपको सीखने को मिलेगी। और यही चीज जो नेटसर्फ के मेंटर्स है, ये इन्होंने भी ये शुरुआत तो जीरो से ही की है, तो ये जीरो से शुरुआत करते करते जो आज ये मेंटोर के लेवल तक पहुंचे हैं, तो इन्होंने क्या किया है इस जर्नी के लिए, जिस जर्नी के टाइम पे, तो वो चीज भी हम लोग सीखने वाले हैं। और तीसरी चीज जो हमको सीखनी है वो है हमारे एनवायरमेंट से, यानी जो एग्जांपल्स हम लोग आपको देंगे, जिस तरीके से हम लोग आपके साथ अभी कुछ इंसिडेंसेस शेयर करेंगे, फिर वो नेटसर्फ के इंसिडेंसेस रहेंगे, फिर वो मेंटोर्स के इंसिडेंसेस रहेंगे, फिर वो छत्रपति शिवाजी महाराज के उनके लाइफ जर्नी के इंसिडेंसेस रहेंगे, तो ये जो एनवायरमेंट आपके आजू बाजू में है उससे आपको हम लोग कुछ स्किल आपके डेवलपमेंट करने की कोशिश करने वाले हैं। इसी के साथ अगर आप में भी वो इच्छा है कि हम लोग, आप भी कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप भी जरूर सीख सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ योर आउटर एनवायरमेंट। ऐसा बोला जाता है कि आदमी सीखता है अपने आजू बाजू से भी सीखता है, लेकिन वो सीखने की चाहत होना बहुत जरूरी है, वो जरूरत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरत अगर है तो कोई भी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कोई भी चीज सीखी जा सकती है, लेकिन जिसकी जरूरत ही नहीं है, जिसकी चाहत ही नहीं है, उसके सामने अगर मैं किताब भी लेके बैठूंगा, उसको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, तो वो पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं, उनकी शायद वो उनकी चाहत नहीं है। तो हम लोगों को ये जो चश्मा है, हम लोग जो बोलते हैं, तो ये सीखने वाला चश्मा लगा के यहाँ पे बैठना है कि ये 5 दिन से जो मैं सीखने वाला हूँ, ये बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया आपको मिलने वाला है, अगर ये मैं बोलूँ तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सारा बड़ा इंसाइक्लोपीडिया हम लोग आपको देने वाले हैं इस सीरीज के माध्यम से। तो ये चीज हम लोग करने वाले हैं। इसी के साथ हम लोग सीखने वाले हैं द ग्रेट मैनेजमेंट गुरु से। अभी ये द ग्रेट मैनेजमेंट गुरु अगर मैं बोलता हूँ, जो अभी इतनी समय से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो आप सब लोग जान ही गए होंगे और आपको पता है ये कौन है, तो ये है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये आज ये 5 दिन जो हम लोग सीखने वाले हैं, तो नेटसर्फ के माध्यम से जो हुआ वो सीखने वाले हैं, मेंटोर्स क्या कर रहे थे वो सीखने वाले हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग एग्जाम्पल्स से सीखने वाले हैं, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज के लाइफ एग्जाम्पल से हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये जब मैं स्टडी कर रहा था ये सीरीज के लिए, जो मैं तैयारी कर रहा था, ये तैयारी करते समय एक चीज मुझे समझ में आई, क्योंकि इसके पहले अगर मैं बोलता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो जानता हूँ शिवाजी महाराज को, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन एक चीज जो मैंने पहली बार सीखी ये गए 8 दिन में, जब मैं इसकी वापस एक बार थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं ना, मैं पढ़ रहा था, थोड़ा सा प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि शिवाजी महाराज वॉज द ओनली किंग हु वॉज नॉट बोर्न एज अ किंग, जिसका जन्म किसी राज परिवार में नहीं हुआ था। अपने बाकी राजे देखे रहेंगे जिनके पिताजी भी राजे थे, तो उनको वो, जिसको बोलते हैं ना कि विरासत में था, उनके विरासत में वो था,
लेकिन शिवाजी महाराज ऐसे बिल्कुल नहीं थे। शिवाजी महाराज एक राजा के घर पैदा नहीं हुए थे, वो एक ऐसे पिता के यहाँ पैदा हुए थे जो किसी और राजा के लिए काम करते, तो वो ही वॉज नॉट बोर्न एज अ किंग। लेकिन मैं राजा के घर में पैदा नहीं होते हुए भी मैंने कुछ ऐसा करना कि आज पूरा भारत ही नहीं, पूरा जग, पूरा वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, वो उनका नाम ले। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज इज अ ग्रेट मैनेजमेंट गुरु, क्योंकि इन्होंने ये करके दिखाया है और ये हमको आज इस सेशन के माध्यम से सीखना है। तो मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो व्हाट इज मैनेजमेंट, अगर हम लोग बात करें तो मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम करके लेने की एक कला होती है। किससे कर लेने की है, तो एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप जिसको आप आपकी टीम भी बोल सकते हैं, तो आपकी टीम से वो काम करके लेने की कला अगर आप पे आनी चाहिए तो आपको ये मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। तो वो कला आपके अंदर कैसी पैदा होगी वो हम लोग देखेंगे। फिर लोगों को किस तरीके से टैक्टफुली हैंडल करना है, आपकी टीम को किस तरीके से हैंडल करना है, ये अगर आपको सीखना है तो आपको मैनेजमेंट सीखने की जरूरत है, आपको ये सारी चीज देखने की सीखने की जरूरत है। उसके बाद ये मैनेजमेंट कोई एक ऐसा चीज नहीं कि आज मैंने कर लिया और खत्म हो गया। मैनेजमेंट इज नॉट, मैनेजमेंट इज ऑन गोइंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं, क्योंकि हर बार आप आगे बढ़ोगे, आपकी टीम बढ़ने वाली है, आपके पास नए नए लोग आने वाले हैं, तो हर वो चीज जब आप ग्रो करते हो तो एवरी टाइम आपको, हर बार आपको वो मैनेजमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। सो दिस इज अ प्रोसेस, और उसके साथ वो मैनेजमेंट जो है इसको बोलते हैं, ये कला भी है और एक शास्त्र भी है, ये शास्त्र भी है और ये कला भी है। तो ये कैसी कला है, ये कैसा शास्त्र है, ये हम लोग आज जानने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग अगर बात करें मैनेजमेंट की, अगर हम लोग बात करें तो एक सिंगल वर्ड में अगर मैं बोलूं, आपको अगर कोई बोलता है कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट तो ये क्या होता है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट की एक सिंगल डेफिनेशन मैं अगर आपको बोलता हूं, अगर आपको कोई पूछे तो व्हाट इज मैनेजमेंट, तो आप एक सिंगल बात कर सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नथिंग, मैनेजमेंट इज इक्वल टू श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। क्यों, ये आपको मैं आगे बोलने वाला हूं। तो आप इतना सीधा बोलिए, आपने इस पुरुष, इस युग पुरुष का, इन महाराज का अगर आपने पूरा लाइफ जर्नी देखा, इन्होंने किस तरीके से ये किया है, तो आपको समझ में आया कि ये कुछ नहीं है, ये एवरीथिंग इज नथिंग बट मैनेजमेंट। ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनकी एक इंडस्ट्री थी जो थी स्वराज, और ये इंडस्ट्री चलाने के लिए इन्होंने मैनेजमेंट का बहुत खूबी से इस्तेमाल किया है। क्योंकि मैनेजमेंट एज सच ए डेफिनेशन, मैनेजमेंट एक अगर कोई कोर्स जिसको बोलते हैं, वो अगर अस्तित्व में आया है तो शिवाजी महाराज के चले जाने के 200-250 वर्ष के बाद आया है। तो 200-250 वर्ष के बाद जो लोगों को सिखाते हैं वो हम लोग देखते हैं कि ये ऑलरेडी इन्होंने किया है, ये सारी चीजें इन्होंने पहले से की हुई है, जो 200-250 साल के बाद लोगों ने किताब में लिख के लोगों को पढ़ाना चालू किया था। सो व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज नथिंग बट शिवाजी महाराज। तो मैनेजमेंट का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है जो आप लोगों ने बहुत बार सुना रहेगा, आप लोगों ने इसको किया रहेगा, वो होता है SWOT, जिसको बोलते हैं SWOT, SWOT एनालिसिस। अभी मैंने इसमें एक टी और जोड़ दिया है, तो मैंने इसको कर दिया SWOT, मैंने कर दिया है। तो ये SWOT क्या होता है, तो ये होता है स्ट्रेंथ, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, टी फॉर थ्रेट, और वो जो पांचवा टी मैंने जोड़ा है इसमें, वो होता है टारगेट। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि विदाउट टारगेट ये आप स्ट्रेंथ के बारे में भी नहीं सोचोगे, आप वीकनेस के बारे में भी नहीं सोचोगे, आप अपॉर्चुनिटी को नहीं देखोगे, और आप जो थ्रेट है उसको भी महसूस नहीं करोगे जब तक आपके आंखों के सामने कोई विजन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। तो व्हाट इज मैनेजमेंट, सिंपल बेसिक प्रिंसिपल होता है स्वॉट एनालिसिस। तो स्ट्रेंथ होती है आपके अंदर जो बल है, आपके अंदर जो ताकत है उसको पहचानना, वो मैनेजमेंट होता है। मेरे अंदर क्या ताकत है, क्या चीजें हैं जो मैं बहुत खूबी से कर सकता हूं, और वो जो आपकी ताकत है उसको और ताकत देना, ये होता है मैनेजमेंट। और ये ताकत की जो बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये ताकत के, जो हम लोग ताकत के बारे में सोचते हैं, उसी के साथ मेरी वीकनेस क्या है उसको भी देखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ताकत तो बहुत होती है, लेकिन हर आदमी में कोई ना कोई तो वीकनेस होता है जो उस ताकत को खत्म करने का काम करती है, तो स्ट्रेंथ को खत्म करने का काम करती है। तो स्ट्रेंथ के साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि वीकनेसेस मेरे अंदर क्या क्या है, और जो अगर वीकनेसेस हमें समझ में आ गए तो वो वीकनेस को हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ता है इन स्ट्रेंथ। तो वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना इज मैनेजमेंट, अपने जो भी वीकनेसेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना इज मैनेजमेंट। तीसरी चीज जो होती है वो होती है अपॉर्चुनिटी।
तो मेरे मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है ये मुझे समझ में आना, दैट इज मैनेजमेंट, या फिर वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढना इज मैनेजमेंट। अपॉर्चुनिटी के साथ एक चीज हमेशा होती है, वो होता है रिस्क। और बहुत बार ये होता है कि रिस्क लोगों को पहले दिखती है, अपॉर्चुनिटी लोगों को बाद में दिखती है, तो वो अपॉर्चुनिटी लोग एनकैश नहीं कर पाते हैं। तो वो रिस्क को एलिमिनेट करके अपॉर्चुनिटी को एनकैश कैसे करना, दैट इज मैनेजमेंट। फिर फोर्थ थिंग इज वो है थ्रेट, धोखा क्या है। ये सब करते समय एवरी अपॉर्चुनिटी रिस्क आता है, धोखा आता है, तो वो धोखा क्या है, वो थ्रेट क्या है, वो थ्रेट को पहचानना, दैट इज मैनेजमेंट। एंड द लास्ट इज टी इज टारगेट। तो टारगेट क्या है, मेरा टारगेट क्या है, उसको किस तरीके से मैं कंप्लीट करूंगा, उस टारगेट के दिशा में मैं अग्रसर कैसे होऊंगा, ये प्लान करना, इसका ब्लूप्रिंट तैयार करना, दैट इज मैनेजमेंट। तो इसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स एंड टारगेट्स। और ये शिवाजी महाराज ने इनके लाइफ में किस तरीके से किया है, ये कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको देने वाला हूं, ताकि आपको, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज नथिंग बट इंडस्ट्रियलिस्ट, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो इंडस्ट्री इनकी स्वराज थी, ये मैनेजमेंट का इन्होंने बखूबी से इस्तेमाल किया था और वो इंडस्ट्री इन्होंने ग्रो की थी। और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि शिवाजी महाराज इज अ ग्रेट मैनेजमेंट गुरु, क्यों, ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आने वाला है। तो पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ यानी जो आपकी ताकत है उसको ठीक से पहचानना, और वो ताकत जो है इसको और ताकतवर बनाना, यानी आपकी ताकत को और ताकत देना। मेरा जो कुछ बल है तो वो बल को और बल देना, वो है मैनेजमेंट। अभी हम लोग जब शिवाजी महाराज की बात करते हैं, तो जब शिवाजी महाराज जब पैदा हुए थे, जब वो बड़े हुए, उनकी माता जी थी, माता जीजाऊ ने उनको बहुत सारी संस्कार दिए थे, जो बोल हम लोग बोलते कल्चर इनको ऐसा था कि आपको ये करना है, आपकी जो प्रजा है उसके लिए ये करना है, प्रजा दुखी है, ये है वो है, इन्होंने बहुत सारी इनको सिखाए थे, जिसकी वजह से उनके दिमाग में बचपन से ये था कि मुझे मेरी प्रजा के लिए कुछ तो करना है। वो चाहते तो वो, जैसे इनके पास जागीर थी जो इनको दी थी आदिल शाह ने, तो उसमें वो खुश भी हो सकते थे, वो आराम से रह सकते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, खुद को एज अ सच कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक किया कि मैं प्रजा के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इनको ये मुगलों के अत्याचार से मैं मुक्त करना चाहता हूँ और इनको एक स्वराज देना चाहता हूँ, और स्वराज तभी आएगा जब इनको मैं स्वराज दूंगा। तो वो स्वराज जो है, वो स्वराज देने की ठान ली थी। और वो स्ट्रेंथ शिवाजी महाराज की जो थी, वो 5 S के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। S फॉर स्ट्रेंथ, S फॉर शिवाजी महाराज, और इनके 5 S जो थे मेरे ख्याल से, जो इनके लाइफ में इनको बहुत, इन्होंने इसका बहुत खूबी से यूज किया, वो 5 S, इसमें से पहला जो S था वो था इनका संकल्प। और ये आपको भी करना है कि अगर आपको बड़ा बनना है, तो आपको पहली चीज जो है, जो शिवाजी महाराज ने किया, वो उनकी स्ट्रेंथ क्या थी, उन्होंने एक संकल्प लिया था कि मेरे प्रजा को मैं स्वराज देके रहूंगा। तो वो पहला S था, वो था संकल्प। दूसरा जो इनका S था, वो था इन्होंने शपथ ली थी स्वराज पे, तो स्वराज की शपथ इन्होंने ली थी, वो दूसरा S था। तीसरा S जो था वो था जहां पे ये रहते थे, यानी जो पुणे के आसपास जो भी हम लोग बोलते हैं, जो माउंटेन रेंज जिसको हम लोग बोलते हैं, पर्वत रांग जिसको बोलते हैं, वो सह्याद्री के जो बड़े बड़े माउंटेन्स थे, वो तीसरा S था इनकी, वो सह्याद्री की माउंटेन रेंजेस, वो सह्याद्री के माउंटेन रेंजेस जो थी, ये इनकी तीसरी बड़ी स्ट्रेंथ थी जो इनको समझ में आया। क्योंकि इन्होंने जब शपथ ली थी, उसके 3 साल तक ये सह्याद्री के हर वो गढ़ पे, हर गढ़ यानी वो स्वयं पे तो गढ़ नहीं थे, लेकिन वो हर एक जो हम लोग बोलते माउंटेन्स पे वो जाके आए थे, और इनको ये समझ में आ गया कि यही माउंटेन्स है जो मुझे साथ देंगे ये स्वराज करने के लिए। तो तीसरा जो स्ट्रेंथ इन्होंने जो खूबी से इस्तेमाल किया, वो था ये सह्याद्री के माउंटेन्स। चौथा था इनके इनके पिताजी जिसको शाहजी महाराज बोलते थे, इन्होंने, शाहजी महाराज ने इनको एक विद्या सिखाई थी, एक कला सिखाई थी, जिसको गनीमी कावा बोलते हैं, गुरिला वॉरफेयर टैक्टिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये गुरिला वॉरफेयर बोलते बाद में बोला था, लेकिन उनके टाइम पे वो गनीमी कावा था। तो वो गनीमी कावा जो इनको सिखाया था इनके पिताजी शाहजी, तो इनके पिताजी शाहजी महाराज जो थे, वो 5वां S इनकी स्ट्रेंथ थी, और जो 5वां 4थी थी, और 5वां जो था वो था सुराज। ये स्वराज पैदा करना, और स्वराज का एस्टेब्लिशमेंट करना, इसको सुराज तक लेके जाना, ये 5 S जो इनके थे, ये बहुत बड़ी ताकत शिवाजी महाराज की थी। और इन्होंने ये हर ताकत को बार बार, ऐसा नहीं कि ताकत मिल गई, ये हर बार इन्होंने ये ताकत को, इसको और ताकत देने का काम किया था। तो दिस वॉज द मैनेजमेंट शिवाजी महाराज, जो शिवाजी महाराज ने किया था, सह्याद्री और गनीमी कावा जिसको बोलते हैं, इसका कॉम्बिनेशन जब हुआ था, तो कितना भी बलशाली, कितना भी बड़ा कोई भी आक्रमण हो जाए, इन दोनों के सामने वो टिक नहीं पाएगा।
ये स्ट्रेंथ अपनी है, ये शिवाजी महाराज जान चुके थे, इसलिए इन्होंने उस ताकत का, उस स्ट्रेंथ का बहुत खूबी से इस्तेमाल किया था। उसके बाद वीकनेसेस, स्ट्रेंथ तो थी लेकिन एक चीज जो बोलते ना हम लोग, कि हम जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम लोग पहली चीज हमारी नजर जाती है कि मैं कैसा दिख रहा हूं, लेकिन हमारी नजर इस तरह कभी नहीं जाती कि मेरे में क्या कमियां हैं। हम लोग कभी कमियां नहीं ढूंढते, हम लोग हमेशा मैं कैसे दिख रहा हूं ये ढूंढते हैं, लेकिन आईने के सामने हम लोग जब खड़े रहते हैं तो पहली चीज जो हमें दिखनी चाहिए वो है मेरे वीकनेसेस क्या है। क्योंकि अगर मुझे मेरे वीकनेसेस दिखते हैं तभी जाके मैं उसको स्ट्रेंथ दे के उसको कन्वर्ट करूंगा मेरी ताकत में, मेरी स्ट्रेंथ में, और वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना यही मैनेजमेंट होता है। शिवाजी महाराज ने भी इसी तरीके से किया था। जब इन्होंने छोटा शुरुआत की थी, छोटे छोटे किले जीतने की शुरुआत की थी, छोटा छोटा एस्टेब्लिशमेंट करने की शुरुआत की थी, तब उनको एक चीज समझ में आई कि हम लोग सह्याद्री के आसपास तो घूम रहे हैं लेकिन जो आक्रमण भारत पे हो रहे हैं, जो आक्रमण हिंदुस्तान पे हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, तो वो समुद्र के तरीके से हो रहे हैं, यानी वो समुद्र के मार्ग से आ रहे हैं। या कि आप ब्रिटिशर्स लो, आप मुगल्स लो, आप डचेस लो, आप पोर्तुगीज लो, ये सारे लोग कहाँ से आ गए, तो ये समुद्र के मार्ग से आए थे। तो ये आए कहाँ से थे, तो समुद्र के मार्ग से थे, और समुद्र के मार्ग से इनको रोकना है तो वो अगर बड़े बड़े जहाज लेके आ रहे हैं तो हमारे पास तो खुद का नेवी है ही नहीं। उस टाइम पे नेवी हुआ नहीं करता था। भारत में सेवेंथ सेंचुरी में चोला करके किंगडम था जो साउथ में था, वो चोला किंगडम जो था उसके पास उसका खुद का नेवी होता था जिसको आरमार बोलते थे, तो वो आरमार उनके पास हुआ करता था। लेकिन उनके बाद उसके बाद कुछ जिसको बोलते हैं ना हम लोग परंपराएं होती हैं, रूढ़ियां होती है, तो उन्होंने बोला था कि समुद्र पे चल के जाना या फिर समुद्र पे आक्रमण करना या समुद्र का सफर करना ये निषिद्ध माना गया था उस टाइम के कल्चर में। तो वो चोला किंगडम के बाद भारत के कोई भी राजा ने खुद का नेवी कभी भी एस्टेब्लिश ही नहीं किया था। और शिवाजी महाराज 17th century, तो 7th century और 17th century 1000 years, 1000 साल तक भारत में कोई भी राजा के पास खुद का नेवी नहीं था। मैं तो बोलता हूँ उसके 350-400 साल तो भारत का कोई राजा ही नहीं था, भारत में भारत का कोई राजा ही नहीं था, और जो थे उसके पहले उनके पास खुद का नेवी नहीं था क्योंकि वो कल्चर में अटके हुए थे कि वो निषिद्ध माना गया है, वो अपने पुरानों में इसको माना गया है कि ये नहीं चलता है, धर्म भ्रष्ट हो जाता है वगैरह वगैरह, तो वो लोग नहीं करते थे। और यही वीकनेस तो था वो शिवाजी महाराज के समझ में आ गया कि अगर मुझे स्वराज बनाना है, मुझे स्वराज को बड़ा करना है, तो ये वीकनेस मेरा क्या है, तो मैं यहाँ पे तो सह्याद्री के आसपास तो मैं कर सकता हूँ लेकिन अगर ये आक्रमण मुझे रोकना है जो समुद्र के मार्ग से आ रहा है तो मुझे मेरा खुद का आर्मर या नेवी तैयार करना बहुत जरूरी है। और शिवाजी महाराज ने वो किया, खुद का आर्मर खड़ा किया, खुद का नेवी बनाया। और आज भी अगर आप कहीं भी पढ़ते हो तो शिवाजी महाराज को बोला जाता है कि शिवाजी महाराज इज द फादर ऑफ इंडियन नेवी, ये आप सबको पता है। लेकिन ये किताबें पढ़ने के टाइम पे मुझे और एक चीज समझ में आ गया, शिवाजी महाराज इज नॉट ओनली द फादर ऑफ इंडियन नेवी बट शिवाजी महाराज इज द फादर ऑफ इंडियन मर्चेंट नेवी ऑल्सो, क्योंकि जो व्यापारी जहाज जिसको बोलते हैं, मर्चेंट नेवी जिसको बोलते हैं, उसका भी, क्योंकि ये लोग तो आते थे व्यापार करने के लिए, बाद में वो यहाँ के शासक बन गए, ये सब लोग आए थे शुरू में व्यापार करने के लिए और बाद में ये शासक बन गए। ये वीकनेस महाराज शिवाजी महाराज को समझ में आ गया, तो इन्होंने बस नेवी खड़ा नहीं किया, इन्होंने मर्चेंट नेवी भी खड़ा किया था। और उस टाइम पे मर्चेंट नेवी से जो इनकम शिवाजी महाराज लेते थे वो 2,00,000 करोड़ रुपए का लेते थे साल का, सोचिए क्या विजन रहेगा। इसलिए मैं इनको बोलता हूँ ये महाराज नहीं थे, ये एक बड़े बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने इनका वीकनेस समझ में आ गया और इनकी वीकनेस को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रेंथ में, तो एक आर्मर भी खड़ा, एक नेवी भी मजबूत खड़ा हो गया और उससे इनकम भी आना स्टार्ट हो गया। सो ये होता है वीकनेस। उसके बाद होता है अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपने पास आती है लेकिन अपॉर्चुनिटी के साथ साथ उसके साथ जो आता है वो संकट भी आता है। अभी हम लोग किसको देखते हैं ये बहुत जरूरी होता है, हम लोग अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं या फिर हम लोग उसके साथ आए हुए संकट को देख रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा जो बोलते हैं ना एक घोड़ा मेरे पास दौड़ के आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं संकट है, लेकिन अगर आप ठीक से उसको देखते हो तो वो जो संकट रूप का घोड़ा आपके पास दौड़ के आ रहा है बहुत तेजी से आ रहा है तो उसके पीठ पे एक अपॉर्चुनिटी, एक संधि भी हमेशा बैठी रहती है। अगर आपने उस संधि को देख लिया तो मैं बोलता हूँ कि आप लोग मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो गए, कि हमको देखना चाहिए कि वो संधि क्या है, वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास क्या है। तो ये शिवाजी महाराज के लाइफ में भी ऐसे बहुत बार हुआ था,
हमारे लाइफ में भी होता है। तो हम लोग जब अपॉर्चुनिटी देखने जाते हैं तो हमको सबसे पहला दिखता है आने वाला संकट, और संकट जब आता है तो दो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, एक उस संकट के सामने आत्मसमर्पण कर देना और दूसरा होता है उससे लड़ना। एक समर्पण करो, दूसरा लड़ो। अभी हम लोग क्या करते हैं, देखिए मेरा भी दुबई हो जाता था लेकिन लॉकडाउन आ गया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसको देख रहे हैं, हम लोग अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे हैं, हम लोग उसके साथ जो संकट आया है वो संकट को आगे कर रहे हैं हमारी नाकामयाबी को छुपाने के लिए। मेरा भी कैप लग सकता था लेकिन ये लॉकडाउन आ गया, ये कोरोना आ गया, ऐसे बहुत सारे लेकिन 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 हम लोग करते रहते हैं और जो उसके पीछे जो एक्चुअल अपॉर्चुनिटी होती है वो हम लोग गंवा देते हैं। तो मैनेजमेंट इज नथिंग बट टू फाइंड द राइट अपॉर्चुनिटी। अब ये शिवाजी महाराज के साथ कैसे हो गया, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स इंसिडेंट्स आपको बोलता हूँ। जब ये शिवाजी महाराज का छोटा सा राज्य उन्होंने तैयार किया था जिसको बोलते थे 12 गांव में ही शिवाजी महाराज का एक छोटा सा स्वराज उन्होंने किया था। वो बोलते थे कि मैं, ये मेरा स्वराज है, ये 12 गांव मेरे है और मैं यहाँ पे राज करता हूँ। उस टाइम पे दक्खन जिसको बोलते हैं, दक्खन यानी आज का जो महाराष्ट्र से लेके नीचे कन्याकुमारी तक का जो पार्ट हुआ करता था, साउथ इंडिया जिसको बोलते हैं, उस टाइम पे इसको दक्खन बोला जाता था। तो ये दक्खन का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर, जो बोलते थे ना जिसको सूबेदार बोलते थे, वो था अफजल खान। ये अफजल खान जो था उस टाइम पे सबसे, उसके जैसा ताकतवर कोई नहीं था दक्खन में। यानी जब अफजल खान आता था सामने वाले को एक ही ऑप्शन रहता था कि आत्मसमर्पण कर देना, उसके सिवा उसके पास कोई चारा नहीं होता था। और यही अफजल खान जो था, उसने जब औरंगजेब उसके पिता शासक थे यानी शाहजहां जब शासक थे, तो इन्होंने इसको भेजा था एक मुहिम पे दक्खन के लिए, तो औरंगजेब को हराने वाला भी यही अफजल खान था। तो इतना बड़ा ये अफजल खान सरदार था। और ये अफजल खान ने बोला था कि ये कौन है शिवाजी महाराज, इस चूहे को तो मैं ऐसे मसल के फेंक दूंगा। और वो वहां से निकला था प्रण लेके मिशन पे कि मैं शिवाजी महाराज को हरा के आऊंगा, उसको दबोच के आऊंगा। और वो जब वहां से निकला, महाराज को खबर मिली कि यार ये वहां से तो निकला है अफजल खान, अभी ऑप्शन क्या है, दो ऑप्शन है, एक आत्मसमर्पण कर दो और दूसरा ऑप्शन था कि इससे टक्कर देना, इससे लड़ना है। अभी महाराज ने संकट नहीं देखा था, संकट अगर महाराज देखते थे तो महाराज करते थे कि मेरा तो 12 गांव का जो मेरा राज है तो 12 गांव का है, और जितने राज में मेरे लोग पूरे बोल के नहीं रहते, इसके 10 गुना फौज लेके ये मेरे पास आ रहा है, तो मैं तो इससे जीत कभी जिंदगी में कभी जीत नहीं सकता हूं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, आत्मसमर्पण कर देना। लेकिन महाराज ने वो संकट वाला घोड़ा नहीं देखा, उसके पीठ पे बैठी हुई संधि जिसको बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं, अवसर जिसको बोलते हैं, वो अवसर महाराज ने देख लिया था। महाराज ने बराबर मैनेजमेंट करके, जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट गुरु, तो वो उन्होंने बराबर मैनेजमेंट करके ऐसा उसको महसूस कराया कि मैं बहुत डर गया हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत तुमसे डरा हुआ हूँ, और ये करके उसने उसको खींच लाया था वो प्रतापगढ़ के नीचे। और वहां पे उन्होंने उस औरंगजेब अफजल खान जो था उसका वध कर दिया था, उसको मार दिया था। अभी वो स्टोरी में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, उसने कैसे मारा, वो वाघ नख पहन के, वो तो आप सबको पता है या फिर आप पता भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये महाराज ने क्यों किया, रिश्ता क्या, तो बहुत बड़ा रिश्ता, क्योंकि वो इतना बड़ा सैन्य लेके आया था, इतनी बड़ी फौज लेके आया था कि वो महाराज को सच में कभी भी मार दे सकता था, मात दे सकता था। लेकिन वो रिस्क महाराज नहीं देख रहे थे, महाराज देख रहे थे उसके पीठ पे बैठी हुई संधि, अवसर, अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी ये थी कि महाराज को पता था कि मैं तो छोटा सा 12 गांव का एक राजा हूं, जो मैं खुद में राजा बोल रहा हूँ, मेरी प्रजा जो है छोटी सी मुझे राजा बोल रही है, लेकिन मुझे आज कोई जानता नहीं है, मुझे कोई मानता नहीं है, बाकी के लोग मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि एज ये कोई राजा है करके। लेकिन अगर ये मेरे पास आया है चल के, अगर मैं इसको खत्म करता हूं तो पूरे दक्खन में ये न्यूज जाएगी, ये खबर जाएगी कि अफजल खान को मारने वाला कोई तो राजा पैदा हुआ है दक्खन में। और वो अपॉर्चुनिटी थी जो शिवाजी महाराज को एनकैश करनी थी, और वैसा ही हुआ। जब उसने उसको मार गिराया तो पूरे दक्खन में उनका दरारा हो गया, उनका दबदबा हो गया, उनको ये सब सारे दक्खन में न्यूज फैल गई कि एक कोई तो राजा है जिसका नाम शिवाजी है, वो पैदा हुआ है, जिसने अफजल खान जैसे बड़े सरदार को शिकस्त दी है। दिस इज अपॉर्चुनिटी जो इनकैश महाराज करना चाहते थे, उन्होंने बहुत खूबी से उसको इनकैश किया था। दूसरा इंसिडेंस महाराज के टाइम पे होता, जब वो आगरा गए हुए थे, ट्रीटी कर ली थी यहाँ पे पुरंदर की, उसके बाद वो आगरा गए थे। आगरा जाने के बाद
उनको औरंगजेब ने बुलाया था दीवाने आम में, उनके दो दरबार चलते थे, आपको भी पता है, दीवाने आम होता था जब वो जनता से बात करते थे, और एक होता था दीवाने खास जहां पे वो पूरे दुनिया से आए हुए गिने चुने लोगों से बात करते थे, यानी पूरे किसी दुनिया की किसी का कोई रिप्रेजेंटेटिव आया है दुनिया से, अलग अलग देशों से जो रिप्रेजेंटेटिव आते थे उनसे वो दीवाने खास में बात करते थे, बाकी सारे लोगों से वो दीवाने आम में बात करते थे। ये जब शिवाजी महाराज गए थे आगरा में तो इन्होंने भी दीवाने आम में इनको बुलाया था, महाराज जानबूझ के दीवाने आम में नहीं गए थे, टाइम का बहाना करके वो दीवाने खास में पहुंच गए थे। अभी दीवाने खास में जाना यानी बहुत बड़ा रिस्क भी था, लेकिन वो रिस्क नहीं देख रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, उनको सामने वो अवसर दिख रहा था, इनके दिमाग में फिक्स था, उनका टारगेट फिक्स था कि वहां जाके मुझे क्या करना है। रिस्क बहुत बड़ा था लेकिन वो अवसर जो था वो उनके लिए इंपॉर्टेंट था, वो रिस्क को नहीं देख रहे थे, वो अवसर को देख रहे थे। अफजल खान के दरबार में वो दीवाने खास जो होता था उसमें एक 20 फीट का गालीचा हुआ करता था, कारपेट हुआ करता था, और वो कारपेट पे किसी की उंगली भी नहीं आनी चाहिए, उसका नियम था, उंगली भी कोई नहीं आनी चाहिए, वो कारपेट के बाजू में आप लोगों को खड़ा होना है। वो औरंगजेब ऐसे ऊपर बैठते थे और किसी को गर्दन ऊपर करने की भी अनुमति नहीं हुआ करती थी, जो भी खड़े रहते थे गर्दन झुका के खड़े रहते थे, कोई भी औरंगजेब के साथ गर्दन उठा के आंख मिलाने की जरूरत नहीं कर सकता था, अंजाम क्या था वो उनको मालूम था। और वही दीवाने खास में शिवाजी महाराज औरंगजेब की जिंदगी में एकमात्र राजा ऐसे रहेंगे जो उनसे आंख मिला के बात कर रहे थे और पूरे दुनिया के लोग देख रहे थे, और बस आंख मिला के बात ही नहीं की तो औरंगजेब की जिंदगी में उसके पूरे करियर में उसको पीठ दिखाने वाला अगर कोई एकमात्र राजा हुआ तो वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। अब ये उन्होंने क्यों किया, अफजल खान को क्यों मारा, इसने इनको औरंगजेब को पीठ दिखाया, बहुत बड़ा रिश्ता, औरंगजेब से आंख मिला के बात करना बहुत बड़ा रिश्ता, आपको क्या ऐसा लगता है इनमें बहुत सारा डेयरिंग था इसलिए उन्होंने किया, जो होगा देखा जाएगा, करा ऐसा नहीं करा, उन्होंने क्यों किया, क्योंकि उनको पता था इसमें के पीछे छुपा हुआ अवसर क्या है, रिस्क था बहुत बड़ा रिस्क था लेकिन अवसर क्या था, तो ये जितने भी पूरे दुनिया के लोग वहां पे आए थे वो पूरी दुनिया में एक मैसेज चला गया कि औरंगजेब के आंख में आग डाल के बात करने वाला एक राजा हिंदुस्तान में पैदा हुआ है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी। तो वो अपॉर्चुनिटी थी जो शिवाजी महाराज को एनकैश करनी थी, उनका जो स्वराज था उसका जो ब्रांडिंग था उसका जो इमेज बिल्डिंग था वो एक झटके में एक रिस्क लेने से एक अपॉर्चुनिटी की तलाश, वो एक अवसर था उसके दीवाने आम खास में जाने का, तो उसका वो ब्रांड जो था वो पूरे दुनिया में फैल गया था। सो दिस वॉज द अपॉर्चुनिटी, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि शिवाजी महाराज बहुत बड़े मैनेजमेंट के गुरु थे, उनको पता था किस तरीके से करना है। उसके बाद आता है थ्रेट, SWOT, थ्रेट। थ्रेट यानी अगर मैं कोई अपॉर्चुनिटी एनकैश कर रहा हूं, मैं अगर खुद की स्ट्रेंथ पे ऊपर काम कर रहा हूं, मैं खुद की वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये सब करते समय मेरे पास थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, मुझे थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, इसकी जानकारी रखना भी बहुत जरूरी होता है। महाराज ने जब स्वराज को पैदा किया, स्वराज को बहुत बड़ा बढ़ाया, सुराज बनाया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक काम किया कि तंजावर जो है आज तमिलनाडु के पास, तंजावर के पास जाके जिंजी करके एक किला था उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया। अभी यहां से उठ के महाराष्ट्र से जिंजी जाना, वहां फौज लेके जाना, वहां पे वो किला, वो लड़ाई करना, वो किला कैप्चर करना, ये शायद लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन शिवाजी महाराज हम लोग क्योंकि इनको मैनेजमेंट गुरु बोलते थे, इनको ये पता था कि आगे क्या हो सकता है, और लीडर वही होता है जो हमेशा प्लान बी पे भी काम करता है, बैकअप प्लान रेडी करके रखता है। इनको पता था कि मैंने औरंगजेब को इतना छेड़ा है कि एक दिन वो दुगनी फौज लेके मेरे पे आक्रमण जरूर करेगा, और वो जब आक्रमण करेगा उस टाइम पे अगर गलती से हम लोग हार गए और सारे किले अगर हमारे उसके हाथ में चले गए तो एक कोई तो किला ऐसा होना चाहिए जहां हम लोग आपका हेडक्वार्टर, अपना हेडक्वार्टर वहां पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं और वहां से बैठ के इसको टक्कर दे सकते हैं। तो ये आगे का सोच के, वो थ्रेट को समझ के उन्होंने वो जिंजी का किला लिया था, और वो बस किला लिया था और उसी किले पे रह के उनके जो पुत्र थे रामराजे महाराज, तो उन्होंने 8 या 9 साल वहां पे गुजारे थे और वहां से इन्होंने फाइट की थी मुगलों के साथ। तो इतना बड़ा विजन, ये थ्रेट, आगे आने वाले थ्रेट को अभी समझना और उसको किस तरीके से एलिमिनेट करना, इसका प्लान रेडी करना, बैकअप प्लान रेडी करना, दिस इज मैनेजमेंट। और ये शिवाजी महाराज बहुत अच्छी तरीके से करते थे। और पांचवा टी जो है वो है टारगेट। पहले दिन से जब उन्होंने टारगेट लिया था, उस दिन से जब तक शिवाजी महाराज थे तब तक उन्होंने जिंदगी में कभी भी टारगेट को चेंज नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए इसको,
कभी भी मुश्किलें आई तो हमें और आप में कुछ भी मुश्किलें नहीं आती, इतनी उससे भी ज्यादा शायद मुश्किलें उनकी जिंदगी में आई रहेंगी, लेकिन उन्होंने कभी भी टारगेट को चेंज नहीं किया, तरीके बदले, उन्होंने अपने स्ट्रेटजीज को चेंज किया, उन्होंने अपने प्लान्स को बदले, लेकिन जो टारगेट था कि मैं मेरी प्रजा को स्वराज और सुराज दिला के रहूंगा, ये टारगेट पे वो पहले दिन से अड़े थे और एंड तक वो यही करते रहे, उन्होंने किया और एक ही फोकस था कि मैं मेरे टारगेट में कोई भी चेंज नहीं करूंगा। तो ये सीखने जैसी चीज है और यही मैनेजमेंट है जो हमको इनसे सीखनी है। तो हु इज अ ट्रू लीडर अगर हम लोग बात करते हैं, हु इज अ ट्रू नेटवर्कर अगर हम लोग बात करते हैं, तो सीधा आंसर आता है छत्रपति शिवाजी महाराज। क्योंकि एक मैं आपको वही बोल रहा हूं, तो आप इनको एक महाराज करके मत देखिए, आप इनको एक युग पुरुष करके मत देखिए, आप इनको आपके नजर से देखिए, आप इनको एक लीडर की तरह देखिए, आप इनको एक नेटवर्कर की तरह देखिए, आप इनको एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह देखिए, तो आपको भी समझ में आएगा कि ये सारी चीजें इन्होंने की है इनकी इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए। अगर यही सारी चीजें मैं करता हूं मेरी इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए, तो मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूं, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ट्रू लीडर शिवाजी महाराज, ट्रू नेटवर्कर छत्रपति शिवाजी महाराज। अभी जो चीजें थी जो इनको ये बनाती है, जो इनको ट्रू लीडर बनाती है, जो इनको ट्रू नेटवर्कर बनाती है, जो इनको छत्रपति शिवाजी महाराज बनाती है, तो वो पहली चीज जो मैंने आपको पहले भी बोली थी, अभी वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं कि ही वॉज द ओनली किंग हु वॉज नॉट बॉर्न एज अ किंग। राजा करके पैदा नहीं हुए थे, लेकिन वो शायद आज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स इन द वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, तो वो आज बने हैं बिकॉज वो उस सोच से काम कर रहे थे, वो एक लीडरशिप लेके काम कर रहे थे, वो एक नेटवर्क इन्होंने पैदा किया था ना, ये सारा नेटवर्क जिसको हम लोग बोलते हैं, जो इनके फाइटर्स थे जिनको मावले बोलते थे, तो ये मावले इन्होंने तैयार किए थे। तो ये एक ट्रू लीडर की खासियत है, ये एक ट्रू नेटवर्कर की खासियत है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट की खासियत है। द ओनली किंग नॉट बॉर्न एज अ किंग। दूसरा, वो स्वराज करने के लिए, वो टारगेट हासिल करने के लिए कभी भी किसी को धोखा इन्होंने नहीं दिया। ही नेवर बिट्रेड एनीवन। कभी भी शिवाजी महाराज ने किसी के भी पीठ में खंजर नहीं खोपा है। हाँ, दुश्मन को मारा है, बहुत दुश्मन को मारा है, लेकिन धोखा देके किसी को भी नहीं मारा है। देखिए, हम लोग भी बोलते हैं ना, छोटा सा, हम लोग शॉर्टकट लेने की बहुत लोगों को आदत होती है। ऊपर जाने के दो तरीके होते हैं, एक तो किसी को धोखा दो, उसके सर पे पाव रख के आप ऊपर जा सकते हो, और दूसरा है कि लोगों के लिए इस तरीके से काम करो कि लोग आपको रिस्पेक्ट से आपका खुद के कंधे पे खड़ा करके आपको ऊपर भेजे। एक होता है धोखा दे के सर पे पांव रख के ऊपर जाना, दूसरा होता है लोगों के लिए कुछ ऐसा करना कि वो रिस्पेक्ट के कारण लोग आपको खुद का कंधा दे कि भाई आप यहाँ पे पैर रख के आप ऊपर जाओ। तो कौन सा चीज अच्छा है? क्योंकि अगर आप किसी को धोखा दे के अगर उसके सर पे पांव रख के ऊपर जाते हो और ऊपर जाके अगर आपका पैर फिसलता है, तो अगर आप नीचे भी आते हो तो नीचे जिसके सर पे पाव रख के, जिसको धोखा देके आप ऊपर गए हो, वो नीचे आपको वापस संभालने के लिए खड़ा नहीं होगा। वो देखेगा भी तो भी वो संभालेगा नहीं, क्योंकि वो बोलेगा गिरता है तो गिरने दो। लेकिन अगर आपने लोगों के लिए कुछ किया है, अगर आपने लोगों के लिए रिस्पेक्ट अर्न किया है लोगों से, तो वो जो उन्होंने जिन्होंने आपको कंधा दिया है खड़ा रह के ऊपर जाने के लिए, और अगर उस टाइम पे आप ऊपर जाके आपका पैर फिसलता है, तो जिसने आपको कंधा दिया है ऊपर जाने के लिए, वो हाथ खड़ा रह के नीचे खड़ा होगा, हाथ फैला के नीचे खड़ा होगा कि अगर आप वहां से फिसलते हो तो आपको नीचे संभालने के लिए यही लोग होंगे। तो उस किसी को धोखा दे के बड़ा होने से कोई मतलब नहीं है। ये सीख हमें मिलती है शिवाजी महाराज से। तीसरा चीज जो है वो इन्होंने खुद का राज्याभिषेक करा के लिया था। He sworn himself as a king। लोगों का राज्याभिषेक कोई करता? ये शिवाजी महाराज थे, इन्होंने खुद का राज्याभिषेक किया है। ये दिखाने के लिए नहीं किया है कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं बहुत बड़ा नेटवर्कर हूं, देखो मैं कैप लगाता हूं, मेरे टीम में कैप लगता है, मैं करोड़पति बन गया हूं, इसके लिए इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने एक मैसेज, खुद का राज्याभिषेक करके एक समाज में, एक दुनिया में एक मैसेज दिया था कि तब तक क्या होता कि मुगलों का शासन था, हिंदू कोई राजा नहीं था, 350 साल हो गए थे, एक भी हिंदू राजा, एक भी हिंदू शासक नहीं था भारत में। तो लोग भूल चुके थे कि हिंदू लोग, यानी लोग ये कल्पना भी नहीं कर रहे थे कि हिंदू शासक भी कभी हो सकता है, ये लोगों की कल्पना भी नहीं था। लेकिन शिवाजी महाराज ने खुद का राज्याभिषेक करके एक मैसेज, क्लियर मैसेज लोगों को दिया था कि ये हिंदुस्तान में हिंदू राजा भी हो सकता है, और वो मैं हुआ हूं, ये मेरा राज्याभिषेक हुआ है। और चौथी चीज जो इनको, इनसे सीखनी चाहिए कि इन्होंने एक सिस्टम सेट किया था, इन्होंने एक सिस्टम सेट किया था स्वराज का, ये स्वराज से सुराज तक जाने का और सुराज को मेंटेन रखने का, यानी एक लीडर को ग्रो करने का और ग्रोथ करने के बाद वहां पे मेंटेन रखने का एक सिस्टम। जो देखो, मैं हमेशा बोल रहा हूं कि अगर आप सिस्टम से काम करोगे तो जिंदगी भर ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा।
तो महाराज ने एक सिस्टम से काम किया, इसलिए महाराज जाने के बाद भी सालों तक ये स्वराज सुराज जो था ये सिस्टम चलता रहा और ये मुगलों को फाइट देता रहा। औरंगजेब यहीं पे आके महाराष्ट्र में वो खत्म हो गया, लेकिन वो स्वराज को खत्म नहीं कर सका, बिकॉज एक सिस्टम सेट करके रखा था, वो सिस्टम काम कर रहा था। और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये ट्रू लीडर, अ ट्रू नेटवर्कर, अ ट्रू मैनेजमेंट गुरु अगर कोई था तो वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इसी सीरीज का हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं। इससे हमको क्या चाहिए? तो दिस इज अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। ये परिवर्तन है, ये आरंभ है इस परिवर्तन का जो आपके अंदर होने वाला है। ये एक बिगनिंग है आपका लर्निंग फेज का, एक आरंभ है आपको कुछ सीखने का और सीखने का तरीका चेंज करने का। देखो आज तक हम लोग सीखते थे मूवी से सीखे हैं, हम लोग आज किताब से सीखे, हम लोग किसी ट्रेनर से सीखे हैं, लेकिन ये भारत के युग पुरुष से सीखने का एक फेज जो हम लोग आरंभ कर रहे हैं, ये आज से इसका भी आरंभ हो रहा है। एक चेंज लाने का हम लोग को एक बिगिनिंग ऑफ अ चेंज इसको बोल सकते हैं। और एक हिस्ट्री जो है हमारी, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स जो है महाराज के हैं और भी है, तो इनके थ्रू या फिर नेटसर्व के हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि 20 साल में नेटसर्व ने भी एक हिस्ट्री किया है। तो ये हिस्ट्री के कुछ मूवमेंट्स है जिसको रिकॉल करके उसके अचीवमेंट्स को हम लोग कोरिलेट करेंगे, आपको किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। तो ये भी एक आरंभ, इसी का भी एक आरंभ है, और ये आरंभ है आपके ड्रीम कम ट्रू का। ये आरंभ है आपका ड्रीम कम ट्रू का, जो आप सपना लेके नेटसर्व में आए हो, जो कुछ दिमाग में रख के आप नेटसर्व में आए, जो टारगेट रख के आप काम कर रहे हो, वो सारे सपने, वो सारे टारगेट्स पूरे करने का आरंभ ये सीरीज आपको आज से कर रहा है। सो करना क्या है? पहला हम लोग बोलते हैं क्या करना है। तो 5 दिन तक, कल से 5 दिन, तो 25 मई तक आपको बहुत ही सीरियसली इसको सुनना है। इसको एक स्टोरी टेलिंग की तरह नहीं सुनना है। हम लोग कुछ इंसिडेंट्स आपको साथ शेयर करेंगे, आज भी मैंने बहुत सारे इंसिडेंट्स शेयर किए आपके साथ में, लेकिन वो इंसिडेंट्स आपको स्टोरी बताने के लिए नहीं थे, उसके पीछे वो मेरी मंशा ये थी कि आपको एक ट्रू लीडर किस तरीके से करता है, वो स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाता है, वो वीकनेसेस पे कैसे काम करता है, वो अपॉर्चुनिटीज को एनकैश कैसे करता है, वो थ्रेट्स को इलिमिनेट कैसे करता है, वो टारगेट पे कैसे फोकस होता है, ये आपको जल्दी से समझ में आए, इसलिए कुछ एग्जाम्पल्स मुझे आपको देने पड़े। और यही एग्जाम्पल्स कल से भी हम लोग आपको देंगे, लेकिन इसको स्टोरी करके नहीं लेना है, इससे आपको सीखना है। ये हर एक एग्जाम्पल मैं मेरी जिंदगी में कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकता हूं, इसके ऊपर आपको फोकस करना है, और ये आपको कल से करना है। 5 दिन तक सीरियसली इसको सुनना है। जैसा मैंने बोला था कि एक लीडर करके सुनिए, एक लीडर को देख के सुनिए, डोंट्स में अगर मैंने जैसा बोला था आपको कि सीरियस हो तो ही यहाँ पे बैठिए, नहीं तो लोगों को जगह नहीं है। हम लोग 1000 क्रॉस होने के बाद इसको यूट्यूब लाइव कर रहे हैं अभी, तो आपको अगर ऐसे ही उठ के जाना है, आना है, तो आप यूट्यूब लाइव पे जाके देखिए। यहाँ पे 1000 सीरियस लोगों के लिए जगह छोड़ दीजिए जो सीरियसली कुछ तो करना चाहते हैं, तो डोंट्स में वही आता है। अगर आप सीरियस नहीं हो तो यहाँ पे आने का जरूरत नहीं है। कल भी हम लोग इसको यूट्यूब लाइव करेंगे, तो आप वहां पे भी इसको देख सकते हो। सीरियसली देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी लॉकडाउन है, कुछ काम नहीं है, चलो ये सीरीज आ गया तो इसको एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं। दिस इज नॉट अ एंटरटेनमेंट, दिस इज अ प्योर ट्रेनिंग। एक प्योर ट्रेनिंग का पैटर्न बस हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन ये पैटर्न बहुत असरदार होने वाला है, ये भी मैं आपको बोल के रखता हूँ। सो दिस इज द बिगिनिंग, ये आरंभ है ये रणनीति का, ये सीरीज कंटिन्यू है। आज इसका ट्रेलर था, मैं आपको पहले भी बोला था कि ट्रेलर अगर इतना जबरदस्त है तो पिक्चर कैसे रहेगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। तो ये आज का मेरा आरंभ का सेशन था। रणनीति सीरीज इज टू बी कंटिन्यूड, कल इसका पहला पार्ट होने वाला है, जिसका हम लोगों ने नाम दिया है स्वराज। और ये लेने के लिए मेरे साथ, यानी ये सीरीज जो लेने वाले हैं, वो सुग्रे साहब भी यहाँ पे आने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिनका स्टडी जो है इस विषय में बहुत तगड़ा है, इनकी रीडिंग बहुत तगड़ी है, इनकी स्टडी बहुत तगड़ी है, तो वो आपके साथ कल शेयर करने वाले हैं किस तरीके से शिवाजी महाराज ने ये किया, किस तरीके से नेटसर्फ ने किया, किस तरीके से मेंटोर्स ने ये किया, और फिर आपको क्या करना चाहिए, ये मैं आपको अंत में कल से हर एक दिन मैं आपको अंत में आपको इसके बारे में क्या एक्शन प्लान लेना है, ये मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो आज के लिए आरंभ ये इतना ही था, आज यहीं पर रुकता हूँ, कल मिलते हैं। ओवर टू प्रशांत सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आरंभ इतना जबरदस्त है तो अंत कैसा रहेगा और हमारा भविष्य कैसा रहेगा, तो एक बार सचिन सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम इतिहास से देखेंगे शौर्य, त्याग, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति, जिसके माध्यम से हम सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारा अचीवमेंट रहेगा, हमें नॉलेज, एटीट्यूड,
फाइनेंशियल फ्रीडम, टीम मैनेजमेंट, हमारे सपने, ये सभी अचीवमेंट हम यहाँ पे करने वाले हैं। और ये सभी करने के लिए इस रणनीति सीरीज के माध्यम से हम फॉलो करने वाले हैं श्री मैनेजमेंट गुरु श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को, नेटसर्फ को और नेटसर्फ के मेंटर्स को। सचिन सर ने हमें बताया कि ये सभी चीजें करने के लिए, कि नेटसर्फ में सक्सेसफुल होने के लिए मैनेजमेंट कितना जरूरी है और मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या है, उसका शॉर्ट एनालिसिस कैसा होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये कैसा किया, अभी हमें क्या करना है, कल आने से पहले आज हमें सबसे पहले हमारा टारगेट डिसाइड करना है। जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, लास्ट वाला टी जो सचिन सर ने बताया, वो टारगेट हमें सबसे पहले फिक्स करना है कि मुझे करना क्या है, मुझे 10,000 चाहिए या 10,00,000 चाहिए, मैं अकेले करूंगा या टीम के साथ काम करूंगा, ये टारगेट सबसे पहले डिसाइड करना है। और उसके लिए ये टारगेट अचीव करने के लिए फिर मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी, मेरा वीकनेस और मेरे सामने थ्रेट्स क्या आएंगे, ये थोड़ा सा होमवर्क हमें कल आने से पहले करना है। और सर ने बताया कल का टॉपिक है हमारा स्वराज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा कहते थे राज्य छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन वो खुद का होना चाहिए, जिससे हम खुद का अस्तित्व बना सकते हैं, जिससे लोग, ये दुनिया हमें मानेगी और हमारा आदर करेगी। तो हमें भी कल ये जो सीरीज शुरुआत होने वाली है स्वराज्य से, वहां पे हम डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन आज के होमवर्क के साथ में। तो ये सभी नॉलेज हमें सभी को मिले, इसलिए हमारे वेस्ट धोन के मैनेजमेंट टीम ने बहुत मेहनत की है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे वेस्ट धोन के सभी मैनेजमेंट टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस, थैंक यू वेरी मच। कल मिलता है इसी समय ठीक 3 बजे स्वराज्य के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। हाँ सर। प्रमोद सर तुम्ही होस्ट आहात, तर प्रोग्राम क्लोज करायचा आहे। थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच।